दोस्तों, आप भी फेसबुक क्रिएटर हैं, आप भी रील्स बनाते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं फेसबुक पे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये वीडियो देखना, क्योंकि हम ऐसी छोटी छोटी गलतियां करते हैं, हमें पता नहीं चलता है, लेकिन आज जो बताने वाला हूँ, हम लगभग 90% लोग ये गलती करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है। फिर कहते हैं हमारा ये क्यों नहीं आ रहा, हमारा वो क्यों नहीं आ रहा है। तो एक बेहतरीन टिप देने वाला हूं दोस्तों आज इस वीडियो में। जो भी भाई रील्स डालते हैं वो बड़े गौर से इस वीडियो को देखना। सबसे पहले तो आप ये स्क्रीन स्क्रीन देखें। अगर आपके फेसबुक पे ऐसा कुछ अगर आ रहा है तो इसी के बारे में बताने वाला हूं, ये क्यों आ रहा है और कैसे आ रहा है और ये कैसे नहीं आएगा, सारी चीजें इसमें बताने वाला हूं। और इससे आपको बड़ा नुकसान होने वाला है। आप रील डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि ये है क्या, मेरे फेसबुक पे, मेरे आईडी पे, मेरे पेज पे क्यों आ रहा है ये। अगर आपने अभी तक ये वाला जो स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, अगर आपके ये प्रोफाइल पे आया है, आपको पता है हाँ कुछ टाइम बाद मेरे प्रोफाइल पे आ जाता है जब आप रील डालते हैं, और अगर आपके प्रोफाइल पे आपने ध्यान नहीं दिया कि हाँ अभी तक मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं, तो आप जब भी रील डालते हैं ना, रील डालने से 1 मिनट 2 मिनट के बाद आप रिफ्रेश करिए अपने नोटिफिकेशन को, वहां पे आपको ये लिख के जरूर आएगा। ये सब लोगों को आता है लेकिन कोई समझ नहीं पाता, सिर्फ कुछ कुछ लोगों को नहीं आता है। अब वो कौन लोग हैं, किनको नहीं आता है, किनको आता है, तो इस वीडियो में सारी चीजें बताने वाला हूं, कैसे नहीं आएगा सब कुछ बताऊंगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जमाल और स्वागत है आपका जमाल टेक सपोर्ट पे। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। अभी तक हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक को फॉलो नहीं किया तो यहाँ पे भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे हमारी वीडियो चलती है, इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो हम लोग दोस्तों आगे मोबाइल की स्क्रीन पे, मोबाइल की स्क्रीन पे आने के बाद सीधा जाएंगे फेसबुक पे, क्योंकि फेसबुक के बारे में हम बात कर रहे हैं तो फेसबुक पे ही जाएंगे। तो ये आ गया हमारा फेसबुक पे, ठीक है। अभी करना क्या है हमें, देखिए यहाँ पे अगर कोई नोटिफिकेशन है तो दिखाता हूँ आपको, ताजी नहीं तो फिर एकदम लाइव आपको आज डेमो दिखाता हूँ, जैसे आप वीडियो डालते हैं आपके सामने क्या लिख के आता है। ये देख लें, यहाँ लिखा हुआ है ना, ट्यूजडे योर वीडियो इज अनेबल टू बी मोनेटाइज। इसका मतलब क्या है कि आपने जो रील डाला है ये मोनेटाइज नहीं होगी, मतलब ये वीडियो से आप पैसे नहीं कमा सकते हैं। तो क्यों नहीं कमा सकते हैं भैया, अंदर चलिए फिर दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग एक रील अपलोड करते हैं, नई रील, रील पे जाएंगे और क्रिएट रील करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ मेरी रील जो है फिनिश अपलोड हो रही है, रील हमारी यहाँ अपलोड हो गई, ठीक है। अब यहाँ नोटिफिकेशन चेक करते हैं, योर रील इज रेडी टू व्यू, ये हमारी नोटिफिकेशन आ गई। थोड़ी देर में एक और नोटिफिकेशन आएगी, ये देख सकते हैं, जस्ट नाउ योर वीडियो इज इनेबल टू वी मोनेटाइज। अब ये लिख के क्यों दे रहा भाई, क्योंकि हमने इतनी मेहनत से वीडियो बनाई, रील की, रील अपलोड की, अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि हमारा वीडियो मोनेटाइज नहीं होगा, मतलब इस वीडियो से आप पैसे नहीं कमा सकते हैं। एड्स ऑन रील जो होता है ना, एड्स ऑन रील, ये मतलब एड्स ऑन रील मतलब आपका वीडियो मोनेटाइज होगा, रील भी मोनेटाइज होती है भैया, उसी से हम लोगों को पैसे मिलते हैं, लेकिन ये साहब कह रहे हैं कि आपका वीडियो मोनेटाइज नहीं हो। तो हम लोग अब क्या करेंगे, जाएंगे ब्राउज़र पे, ठीक है, सीधा ब्राउज़र पे जाते हैं। तो हम खोलेंगे क्रोम ब्राउज़र को, यहाँ देखिए मेरा फेसबुक जो ऑलरेडी यहाँ लॉगिन है, अगर आपका लॉगिन ना हो तो यहाँ डेस्कटॉप मोड पर आप जाके लॉगिन कर लेंगे। और डेस्कटॉप मोड करने के लिए बाद आप, डेस्कटॉप मोड करने के लिए आपको याद रखना है 3 डॉट पे क्लिक करना है और सबसे पहले डेस्कटॉप साइट इस पर क्लिक कर देना है। कभी भी ब्राउज़र पे आए तो ये काम याद रखें, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं प्रोफाइल पे, अभी ये भाई साहब जो कह रहे हैं आपका वीडियो मोनेटाइज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ये चीज़ हम लोग देखते हैं। वहाँ तो नहीं शो कर रहा ना, यहाँ शो करेगा। अब ये देख लें यहाँ क्या लिख के दे रहे हैं, योर वीडियो इज इनेबल टू बी मोनेटाइज बिकॉज ऑफ म्यूजिक राइट मैच। अब इनका कहना क्या है, वीडियो आपकी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वीडियो में, लेकिन जो आपने म्यूजिक लिया है ना वो मतलब राइट मैच मतलब कॉपीराइट का ऑप्शन इशू है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनियों का ये वीडियो है तो इसलिए कॉपीराइट आपको आ गया है। तो इससे क्या होगा, इसी वजह से हमारा जो वीडियो है मोनेटाइज नहीं होगा, ये प्रॉब्लम है। आप सबके वीडियो पे भी ये प्रॉब्लम आ रही होगी। अब ये सॉल्व कैसे करेंगे, अब आपको चलो आगे बताता हूँ। अब हम लोग एक रील और अपलोड करेंगे, ठीक है, ये तो हो गया, इसके बाद एक रील हम लोग और अपलोड करेंगे। तो फिर बैक आते हैं और
फेसबुक पेज पे, फेसबुक एप्लीकेशन पे आ जाते हैं और फिर से हम लोग जाते हैं रील्स के अंदर। अभी हमारी जो रील थी ये अपलोड हो रही है। अब ये अपलोड होने के बाद देखते हैं, रील तो हमारी अपलोड हो गई है लेकिन आगे क्या लिख के आ रहा है। भाई आ जा, हम लोग चलते हैं डायरेक्ट वहाँ, डेस्कटॉप मोड पे चलते हैं, वहाँ चेक करते हैं यहाँ क्या लिख के आ रहा है। ये मैंने कर दिया रिफ्रेश और ये देख सकते हैं, ये मेरी वीडियो है, ठीक है, रील है, ये भी रील ही है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ कुछ नहीं लिख के आया, जो मेरा टाइटल है वो टाइटल लिख के आया है। अब यहाँ क्यों नहीं लिख के आया, वजह क्या है, आपको सुनाता हूँ। पे आउट अकाउंट सेटअप करते हुए उसमें आपने पता गलती नहीं से अकाउंट आवाज़ नहीं नंबर गलत आएगी, डाल सॉरी, दिया, माइक गलती से लगा अपना रखा नाम है। गलत डाल दिया, तो ये या जो गलती है से आपने ना, शिफ्ट कोड इसमें गलत मैंने डाल अपनी दिया, ओरिजिनल कुछ भी नाम आपने वॉइस गलत दी डाल दिया, हुई है। गलती से आपने उसमें कंट्री जो है गलत चॉइस कर ली। इसमें मैंने अपनी ओरिजिनल वॉइस दी है, उसमें मैंने म्यूजिक ऐड किया था, इसमें कोई म्यूजिक ऐड नहीं है, सिर्फ जो मैंने बोला है वही है। तो इसलिए ये मेरा ओरिजिनल कंटेंट हो गया, ओरिजिनल ये भी है लेकिन बस मैंने उसमें म्यूजिक ऐड कर दी थी, इसलिए ये चीज़ मोनोटाइज नहीं होगी। अब दोस्तों मुद्दा ये है ना, फेसबुक का कहना है कि आप किसी की म्यूजिक को अपने वीडियो में यूज नहीं कर सकते हैं। आपको कोई राइट नहीं है कि आप किसी का भी म्यूजिक यूज करें। अगर आप यूज करना चाहते हैं तो उनसे खरीदें तभी आप यूज करें। अब आप सोच रहे होंगे फिर करें तो करें क्या, हम लोग वीडियो फिर हम लोग कैसे बनाएंगे, रील से पैसे कैसे कमाएंगे। तो ये चीज आप याद रखो भाई, बहुत सारी टॉपिक है वीडियो बनाने के लिए, जरूरी नहीं कि आप म्यूजिक ही डालो, म्यूजिक मत यूज करो। अगर आपको पैसे कमाने हैं ना, म्यूजिक बिल्कुल मत यूज करो, आप ओरिजिनल कंटेंट बनाओ। जैसे कोई फनी जो डायलॉग होते हैं, डायलॉग वीडियो रील्स होती हैं, उस पर आप वीडियो बनाओ डायलॉग पे, उस पर कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। सिर्फ आप म्यूजिक अगर लेते हैं ना, गाना म्यूजिक कोई भी, तो उस पर कॉपीराइट आपको मिलेगा। कॉपीराइट मतलब वो वीडियो आपकी मोनोटाइज नहीं होगी। अपना ओरिजिनल कंटेंट बना, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, इसी को मैं काट के रील बना सकता हूँ, ये मेरा ओरिजिनल कंटेंट हो गया, इसमें कोई म्यूजिक ऐड नहीं करना है। आप कोई फनी वीडियो बनाते हैं तो सिर्फ जो आपकी वॉइस होती है उसी की आप रील बना के अपलोड कर दें। अगर आपको चलो बोलना नहीं आता है, ठीक है, लिपसिंग करनी है सिर्फ, तो जो हमारे फेसबुक पे कई सारे ऐसे रील होते हैं जो डायलॉग वाले होते हैं, आपको आपने देखा ही होगा, आपने बनाया भी हो शायद, तो आप डायलॉग वाले रील बनाइए, उस पर कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। लेकिन म्यूजिक वाले से बचिए भैया, यही कह रहा हूँ। अभी इस पर फेसबुक कुछ काम कर रहा है, हो सकता है इन फ्यूचर म्यूजिक भी आप यूज कर सकते हो। जैसे यूट्यूब पे हम लोग यूट्यूब शॉर्ट बनाते हैं तो वहां से म्यूजिक उठाएंगे तो कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। तो हो सकता है इन फ्यूचर फेसबुक पे भी ऐसा हो जाए कि म्यूजिक यूज करने के बाद भी आपका वीडियो मोनेटाइज होगा, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा नहीं है, तो थोड़ा बच के रहें। आप इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं और अभी तक आपको नहीं पता था कि हाँ इसका मतलब क्या होता है, आप वीडियो डाले जा रहे थे, तो आज से थोड़ा होशियार हो जाइए, ठीक है, संभल के काम करिए। मेरा कहना यही है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं 2 पैसे के लिए, तो आपका मेहनत खराब ना हो, करो आप काम तरीके से करो, ताकि अगर आपका इन फ्यूचर, आप ये कहेंगे भाई मेरा एड्स ऑन रील चालू ही नहीं है, तो भैया नहीं चालू हो तो चालू हो जाएगा, लेकिन आप वीडियो जो अपलोड कर रहे हो तरीके से करो, ताकि इन फ्यूचर आपके फिर वो काम में आए, आप उससे पैसे कमा सकें। आप वीडियो अपलोड कर देंगे, वीडियो अपलोड करो, कोई इशू नहीं। अगर आप सिर्फ टाइम पास के लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं रील, तो आप करो, कोई कोई इशू नहीं है, उस पर लाखों व्यूज जाएंगे, मिलियन में व्यूज जाएंगे, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, लेकिन उससे आप पैसे नहीं कमा सकते हैं, वो वीडियो आपका मोनोटाइज नहीं होगा। मैं नहीं कहता हूं कि अपलोड मत करो, आप करो आप अपलोड, लेकिन उससे आप पैसे नहीं कमा सकते हैं, बाकी वीडियो पे आपके व्यूज आएंगे, हर चीज आएगी। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में, उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो बस दोस्तों में भी शेयर कर दें, और मिलता हूं जल्द ही किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।